Welcome back to my YouTube channel, Techies. Guys, हमने हाल में ही 100K सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया है। ये सब आपके प्यार और साथ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, और आगे भी हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपकी ह्यूज डिमांड पे व्यू के 43 इंचेस न्यूली रिलीज फुल एचडी अल्ट्रा एंड्रॉइड टीवी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आई हूँ। ये टीवी लेटेस्ट एंड्रॉइड पाई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। एंड में मैं आपको इस टीवी की बेस्ट वीडियो और ऑडियो सेटिंग्स बताऊंगी, जो मैंने कई घंटे लगाकर अचीव की है। इस सीरीज का टीवी 3 वेरिएंट्स में आता है, 32, 40 और 43, जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ। इन सब टीवीज की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरता है कि नहीं। ये टीवी इस तरह की बॉक्स में आप तक पहुँचाया जाता है। बॉक्स के अंदर आपको टीवी के साथ टेबल टॉप स्टैंड के 2 पीस, LG का वॉल माउंट, एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज और एक मैनुअल गाइड मिलती है। इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और देखने में ये डिसेंट है। इस टीवी में आपको 2 HDMI और 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। इसमें आपको HDMI, ARC और CC दोनों मिल जाती हैं। इसमें आपको HDMI टाइप 1080p एट 60 फ्रेम पर सेकंड दिया गया है। व्यू के इस टीवी में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 कनेक्टिविटी दी गई है। साथ में है डिजिटल ऑप्टिकल पोर्ट, ऑडियो आउटपुट पोर्ट, हेडफोन जैक, AV इनपुट पोर्ट, RF पोर्ट्स और इथरनेट पोर्ट। इसमें बिल्ट इन सिंगल बैंड वाईफाई दी गई है। ये टीवी A+ ग्रेड VA पैनल और D-LED बैकलाइटिंग के साथ आता है। इसकी ब्राइटनेस 450 निट्स है और स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो 10,000:1 है। इस टीवी में आपको ढेर सारी सेटिंग्स के ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें मैनुअल बैकलाइट कंट्रोल के साथ साथ आपको ऑटो डायनेमिक बैकलाइट कंट्रोल फीचर भी मिल जाता है। इस टीवी में आपको अडेप्टिव ल्यूमा कंट्रोल के साथ डिजिटल और MPEG नॉइस कंट्रोल फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। ये टीवी 11 पॉइंट वाइट बैलेंस करेक्शन फीचर के साथ आता है। इसमें मूवी मोड, इको मोड और क्रिकेट मोड्स को मिलाकर 7 पिक्चर मोड्स दिए गए हैं। ये टीवी गेम और PC मोड के साथ साथ HDMI RGB रेंज कंट्रोल के साथ आता है। अगर आप इस टीवी की अच्छी सेटिंग्स कर लेंगे तो इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि इस टीवी के ब्लैक्स बहुत ही डीप है, कलर रिप्रोडक्शन नेचुरल है और डिटेल्स में अमेजिंग क्लैरिटी है। डार्क सीन्स में भी आपको सब डिटेल्स अच्छे से दिखाई देंगी। इसकी पिक्चर में एक डेप्थ दिखेगी जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को इनहांस करती है। इसमें आपको 24 वॉट्स पावर आउटपुट के 2 चैनल स्टीरियो बॉक्स स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनकी साउंड डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी डिजिटल के साथ है। इसमें आपको DTS स्टूडियो सराउंड साउंड दी गई है। आप ये समझ लीजिए कि ये टीवी अपनी बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी से साउंड बार वाले टीवी को भी बीट कर देगा। इसमें आपको ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया गया है। इसके साथ आपको किसी भी एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑडियो काफी लाउड है जो डीप बेस और डायलॉग क्लैरिटी के साथ आती है। We love the sound of our own voice too, evidently. भारत देश में आज भी भूख के कारण सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं, यह हमें सर्वे से पता चला। आप इस टीवी से अपना ब्लूटूथ हेडफोन भी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। इस टीवी की फुल HD वीडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और 720p यानी HD वीडियोस भी काफी अच्छी क्वालिटी में प्ले होती हैं।
एचडी चैनल्स इस पे बहुत अच्छे दिखते हैं और एचडी चैनल्स भी अपने ट्रांसमिशन के हिसाब से अच्छे लगते हैं। इस टीवी का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, लेकिन छोटी स्क्रीन होने की वजह से आपको मोशन ब्लर कुछ खास नजर नहीं आएगा। और इसमें क्रिकेट मोड भी दिया गया है, जिसे मैच देखते समय आप स्विच ऑन कर सकते हैं, उससे भी ब्लर थोड़ा और कम हो जाता है। ये एक ऑफिशियल एंड्रॉयड टीवी है, जिसमें आपको क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 9.0 यानी पाई मिलता है। इस टीवी में आपको 1GB रैम और 8GB रोम दी गई है। रिमोट में ही आपको Netflix, Amazon Prime, YouTube, Hotstar और Google Play के डायरेक्ट बटन्स मिल जाते हैं। Netflix, YouTube, Hotstar आदि इस पे अच्छे से चलते हैं। इस समय मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, शायद इसलिए प्राइम वीडियो मैं इस पे नहीं चला पाई। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाता है। आप अपने फोन पे एंड्रॉइड टीवी ऐप डाउनलोड करके इस टीवी को वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर पाएंगे। हाल ही में मैंने आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताया था, जिसके थ्रू आप बिना किसी सेट टॉप बॉक्स और बिना कोई एक्स्ट्रा फीस पे किए 400 से भी अधिक चैनल्स देख सकते हैं। वो एप्लीकेशन भी आप इस टीवी पे अच्छे से चला पाएंगे। उस ऐप के थ्रू आप जियो टीवी भी चला सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ी है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। USB या फिर हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके भी आप इसमें मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। ये टीवी मोस्टली सारे ही वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट करता है। इस टीवी में आपको गूगल क्रोमकास्ट भी दिया गया है, लेकिन वीडियो कास्टिंग इस टीवी पे लैगी है। ये टीवी 5 स्टार BE रेटिंग के साथ आता है और इसका मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 75 वॉट्स है। इस समय आप इस टीवी की बेस्ट पिक्चर और साउंड सेटिंग्स स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए और अपने टीवी को भी इसी तरह से सेट कर लीजिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये टीवी एक काफी अच्छी पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी के साथ आता है, जिसमें आप अपने फेवरेट एंड्रॉइड एप्लीकेशंस जैसे Netflix, YouTube, Hotstar आदि भी अच्छे से चला सकते हैं। लो एंड गेम्स आप इस पे डायरेक्टली खेल सकते हैं, लेकिन हाई एंड गेम्स खेलने के लिए आपको गेमिंग कंसोल या फिर एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। लो एंड गेम्स आप इस पे डायरेक्टली खेल सकते हैं, लेकिन हाई एंड गेम्स खेलने के लिए आपको गेमिंग कंसोल या फिर एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। किसी भी टीवी में 1GB रैम और 8GB रोम गेमिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, चाहे वो मोटोरोला हो या फिर व्यू या MI। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 43 इंचेस टीवी में आपको ज्यादातर यही कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।